या नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। डीबी भारती समाचार के संवाददाता ने दावेदारों से खास बातचीत कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र जसराना प्रत्याशी सचिन यादव से खास मुलाकात की। सपा प्रत्याशी सचिन यादव किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, बाहर से आए प्रत्याशी के बारे में क्या कुछ कहा, देखिए दावेदारों से खास बातचीत कार्यक्रम में सचिन यादव को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी भारती समाचार और मैं आपके साथ चंद्र प्रकाश राठौर। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है समाजवादी पार्टी के छियाने विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सचिन यादव जी। जानेंगे उनके करियर के बारे में, उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली और वो राजनीतिक क्षेत्र में आकर समाज की सेवा करते हैं। आपका बहुत बहुत हमारे चैनल का स्वागत। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम आपसे हम यही जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने राजनीतिक करियर में कैसे शुरुआत की और ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि मैं राजनीति में आऊँ और समाज की सेवा करूँ। देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा कि मैं कोई प्लानिंग से राजनीति में नहीं आया। मेरे आदर्श अखिलेश जी हैं और मेरे नेता आदरणीय अक्षय जी हैं, लेकिन मैंने जो राजनीति में आने की, मैं बाई चॉइस नहीं आया, बाई चांस आया हूँ। तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि उन सर्कमस्टांसेस की वजह से एक राजनीति की शुरुआत हो गई और उसमें आगे बढ़ते चले गए। जनपद में चर्चा है कि आप एक अच्छे बार फॉरन से पढ़े हुए आए हैं, फिर राजनीति में अचानक नहीं आया, विद प्रोसेस है। मैं राजनीति में जब से आया हूँ, पहले मैं यहाँ से जो विधायक थे उनके लिए काम करता था और बहुत महत्वपूर्ण काम उनके लिए किया करता था, समाजवादी पार्टी के लिए काम करता था। उसके पास से जब से मैंने इंडिपेंडेंटली काम करना चालू किया, वो भी विद प्रोसेस किया, मुझे लगभग 4 साल हो गए ये चुनाव लड़ते लड़ते। मैंने 2019 से 2022 की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो अचानक से नहीं हुआ, एक प्रोसेस के तहत आया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, आप किस प्रकार, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी पे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। बीजेपी सरकार हर मुद्दों पे फेल रही है, इस बार मुद्दों की भरमार है। किसान को मुद्दा है, जो सरकार ये कह के आई थी कि किसानों की आय दोगुना करेंगे, किसानों की आय दोगुना तो हुई नहीं। किसानों का आत्महत्या का रेट आज़ाद भारत के बाद हाइएस्ट है। डीएपी की लाइन में रहता है, यूरिया की लाइन में रहता है, रात में जग के अपना खेत रखाता है, बिजली उसे टाइम पे नहीं मिलती, फसल का सही रेट नहीं मिलता। किसान इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार 1.5 साल तक सड़कों पे रहा, तो किसान पूरी तरह से परेशान है। माताएं बहनें हैं वो महंगाई से परेशान है, नौजवान है वो बेरोजगारी से परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी हाइएस्ट चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया है, रोजगार वो क्या कहते हैं व्यापार फेल हो रहे हैं, जीडीपी गिर रहा है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है। तो इतने सारे मुद्दे हैं, बीजेपी हर मुद्दे पे फेल हुई है। खासकर जसराना में आप देखिएगा, हमारे मुद्दे बहुत सारे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गाँव स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे, जसराना में अस्पताल बनाया गया था, लेकिन उसका कोई भी उसको बढ़ाने का कोई काम नहीं हुआ। जब डेंगू की महामारी रही, कोरोना की महामारी रही, तो हमारे तहसील के लोगों को बाहर प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ा, उनको कर्जा लेना पड़ा, कुछ लोगों के खेत बिक गए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पानी की है, सिंचाई के लिए 1/3 क्षेत्र में बम्बे सूखे पड़े हैं, बीजेपी ने बम्बों में पानी तक नहीं दिया, सफाई की तो बात छोड़ दीजिए, पीने का पानी नहीं है। टंकियां जो हमारे क्षेत्र की हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी, वो ध्वस्त हो गई हैं, उनकी मरम्मत तक नहीं की गई है, उनके उनसे कनेक्शंस थे वो सारे फेल हो गए हैं, तो पीने का पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, रोडें टूट गई हैं, स्कूल बदतर हालतों में है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई अस्पताल नहीं है। तो आप देख सकते हैं बीजेपी ने डेवलपमेंट को लेके और लोगों की लाइफस्टाइल को लेके कोई काम नहीं। एक नगर में क्या जनपद में एक चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी के पास भी कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं था, जो भाजपा प्रत्याशी को उन्होंने सुखावा दिया
अन्य विधानसभा भी दी। ऐसा कोई बात नहीं है, सारे लोकल कैंडिडेट्स लग रहे हैं, जो शुकाबाद से लड़ रहे हैं वो भी वहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, बाहर के कैंडिडेट, लेकिन वो वर्तमान में भाजपा विधायक थे, भाजपा विधायक पे उन्होंने भरोसा जताया जबकि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता वहाँ मौजूद थे। देखिए ये मेरे को आंसर करने का टॉपिक नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपको बता देता हूँ, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसका सिलेक्शन करने का, अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने का एक प्रॉपर प्रोसेस है, और जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट दी जाती है, और मुकेश वर्मा जी शुकाबाद से चुनाव जीत रहे हैं इसलिए उनको टिकट मिली है। अनेक मुद्दों के साथ नगर में भ्रमण करेंगे, मतदाताओं से अपने समर्थन में वोट मांगेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।